में ही देखेंगे कि मुखा काका ने मेन्यू में क्या रखा। आनंद भाई का शरीर बढ़ गया है ना? हाँ। वो शादी के बाद उतर जाने वाला है, शादी के बाद जवाबदारी बढ़ जाती है ना? जवाबदारी बढ़ जाती है तो वजन आप आप कम हो जाता आप है आप तो जी बच्चों के सुबह के 8:30 हाउ आर यू ऑल डूइंग, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। मार्च का पहला दिन, बहुत बढ़िया दिन, हैप्पी मार्च मंथ टू एवरीवन। आपका मार्च मंथ बहुत बढ़िया रहे ऐसी हमारी शुभेच्छाएं, और बहुत सारे अच्छे अच्छे अचीवमेंट्स कीजिए, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कीजिए, और बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉजिटिवनेस फैलाइए पूरे वर्ल्ड में, ऐसी हमारी आप लोगों से दरख्वास्त है। कनिष्क का अपडेट और KGF का अपडेट। गुड मॉर्निंग KGF। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग KGF। कल कनिष्क को हमने वैक्सीन दिया है, तो हमने मतलब गवर्नमेंट की तरफ से वैक्सीन दिया गया है, तो उसका वो थोड़ा ढीला हो गया है, मूड वूड बुखार आ गया है, बुखार आ गया है, तो रात को कनिष्क थोड़ा बोबड़ा गया था, बट अभी फिलहाल ठीक है। और मेरी वाइफ जो है वो बना रही है गर्मा गर्म भाखरी चाय, और उसके साथ बहुत चाय का जाम मुठियेश जो ऑलरेडी बन चुके थे कल रात के। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मार्च का महीना आपको मुबारक हो। मैं क्या, फाइनेंशियल ईयर चालू हुआ है तो मुझे तो ऐसा कुछ, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है, चालू नहीं हुआ है खत्म के मार्च एंडिंग उसको फाइनेंशियल ईयर खत्म होते हैं। और ये महीने में होली भी है जो तुम्हारा बहुत फेवरेट त्यौहार है, तो क्या कीजिएगा। ये भाखरी मैं करता हूँ, तुम बात करो, ये लो ये कैमरा पकड़ो, आज हम थोड़ा नवीनता गाइस आपको देखने में आएगा कि जयदीप भाखरी कैसे बनाता है। चलिए, जैसे हमारे व्यूअर्स को पता ही है जयदीप मल्टी टैलेंटेड है ही। यस, आता ही है जयदीप को भाखरी करने के लिए। नहीं, तूने जवाब तो दिया नहीं, साथ में जवाब भी देती जा थोड़ा जोर से बोलने का। क्या जवाब दूं? होली के टाइम पे कहाँ जाना है आपको? होली वैसे मेरी फेवरेट है, लेकिन होली अकेले नहीं खेली जाती, घर में मेरी एक ही होली फेवरेट है। हाँ, तो हम खेलेंगे ना। आपको पसंद नहीं है तो क्या करूं? अरे मेरे को तो बहुत ज्यादा पसंद है, पिछले 3-4 साल से तो बहुत ज्यादा, कोविड के बाद, क्योंकि वो मथुरा में जब से जाने लगा हूँ ना तब से मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है। गाइज आप देख लो साथ साथ, मल्टी टैलेंटेड जयदीप। मेरे जैसी नहीं बनानी है, थोड़ी आपके जैसी रखनी। ये मेरे जैसी ही है, the perfect, perfect goal, bakeries for everyone in the morning. और कुछ करना है अगर थोड़ा ऐसा गोल कम हो ना तो ऐसे साइड से ऐसे वो कर देने का। Look at that. Perfect. This is the bakri made by Jaydeep. लड़कियां भी शर्मा जाएगी ये देख के, क्योंकि इतनी गोल तो किसी से भी लड़के से नहीं बनती है, I mean, कभी कभी कुछ लड़कियां से भी। anyway, बहुत ज्यादा खुद के वखाण नहीं करेंगे। हाँ, हम होली के बारे में बात कर रहे थे। नहीं, जो कुंवारी लड़कियां है ना, हाँ। वो हमारा ब्लॉग देखती होगी ना, तो वो मनोमन ऐसा बोल रही, काश मुझे ऐसा पति मिल जाए जिसको भाखरी गोल आती है, रोटी भी आती है, लेकिन वो मिल जाए उसके साथ साथ वो करे ऐसे भी प्रे करना, लेकिन चलिए। एनीवे, तो गाइस होली से याद आया, होली में मैं जा रहा हूँ मथुरा। मथुरा की यूजुअली होली कैसी होती है कि जब होली होती है ना उसके पहले स्टार्ट हो जाती है, तो फ़ोन भी चोरी होता है। मेरा लास्ट टाइम हुआ था, इस टाइम नहीं होने दूंगा क्योंकि मैं अभी सेफ्टी के साथ जाऊंगा, तो बैकग्राउंड म्यूजिक पहले ही बज जाता है हमारे घर में। नहीं, वो आपने बोला मथुरा में होली कैसे खेली जाती है, तो वहाँ पे बहुत भीड़ रहती है तो चोरी हो सकता है। यस यस, कान्हा जी का दर्शन कर लीजिए। गुड मॉर्निंग कान्हा जी, कान्हा जी, कान्हा जी, कान्हा जी, जय श्री कृष्ण, जय माता जी। अभी आप एक काम कीजिए, थोड़ी देर सो जाइए, रेस्ट कीजिए सारी का। वैसे क्या है, बच्चे को जब फीवर रहता है तो मुझे पता नहीं, एक डर सा है अंदर से। बच्चे को फीवर में कुछ भी हो सकता है, मतलब कि आज का लग सकता, हाँ, है मगज में फीवर चढ़ जाता है। तो कल इतना कनिष्क गर्म था, 2 बार तो मैंने दवाई भी पी ली, लेकिन उसी वजह से मुझे पता नहीं नींद ही नहीं आती। तो 4:30 बजे वैसे कनिष्क भी थोड़ा ठंडा हो गया, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर था। 2-3 बार मैंने वो टेम्परेचर मतलब मापा था तो 99-100 ऐसा ही फीवर आ, लेकिन सुबह सुबह होते थोड़ा ठीक हो गया, बाद में उठते ही फिर से हो गया, तो फिर से दवाई पा के अभी सुला दिया है। तो गाइज अगर आपके बच्चे को वैक्सीन देने के बाद ऐसा कुछ हुआ है तो हमको कुछ सजेशन मारिए, बिकॉज कमेंट बॉक्स हम बहुत पढ़ते हैं। कमेंट से याद आया, कल के वीडियो में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी कमेंट की थी कि गाइज कनिष्क का ध्यान रखिए, कनिष्क वो चाकू पे बैठ गया है, उसके हाथ में चाकू है, वो चाकू की धार ही नहीं है, वो एक दो नाइफ ऐसे रखते हैं वो खेलने के लिए, उसका कुछ लगता वगता नहीं है, वो टेंशन नहीं है क्योंकि वो खेलते हैं उससे। तो हमारे घर में कल हेजू के साथ जो प्रैंक किया, कुछ लोगों को बहुत मज़ा आया, कुछ लोगों ने ऐसा लिखा कि पाप लगेगा आपको, कुछ लोगों ने ऐसा लिखा कि ऐसा मत करा किए कीजिए, कुछ नया कीजिए। तो गाइज नया करेंगे, आपको मज़ा करवाएंगे और एंजॉय करवाएंगे, तो वीडियो एंड तक देखिए, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, स्माइल तो दिला के ही रहेंगे वीडियो के एंड तक। तो अभी मम्मी प्लान ये है कि मैं जा रहा हूँ बुंगला बटेका लेने, आपको खाना है? नहीं, वो ये बुंगला बटेका ना खावे, कहीं बीजू खावे। अरे बहुत मजा आया मम्मी। अगर आपका टॉपिक आपने देख लिया है तो वो अभी स्टार्ट होने वाला है,
अनलिमिटेड बुंगला बटे का चैलेंज होने वाला है। मैं हार्दिक सारिका मम्मी बैठेंगे, खाएंगे, खिलाएंगे, एंजॉय करेंगे, चाय का जाम। पानी पूरी लेने आई ना मम्मी को? पानी पूरी तो कितनी बार खाती मम्मी पानी पूरी? तेरे को एमने तेरे को ऐसा नहीं होता है कि पानी पूरी इतनी ज्यादा खाए? पानी पूरी ने गणतरी थाय। अच्छा, भूंगला बटेटा ने केम गणतरी थाय? भूंगला है, भूंगला थी गणतरी थाय है। हो गया हो सारी का, आपका क्या बोलना है? चाहिए लपेटेंगे आज तो भूंगला बटेका सूरत में मैं पहली बार खा रही हूँ। वैसे खाया ही नहीं है सूरत का भूंगला बटेका। तुझे क्या लगता है वो अंबानी के फैमिली वालों ने भूंगला बटेका रखा होगा शादी में? खाए होगा ना, गुजरात में शादी और भूंगला बटेका ना वो बनता है। ओह माय गॉड गाइस, अंबानी फैमिली में शादी हो रही है, 2500 आइटम रखी है खाने में। मैं सोच रहा हूँ 25 आइटम खा के ही धरा जाएंगे लोग, 2500 कब खा पाएंगे? पूरे 2-3 दिन लगेंगे 2500 आइटम चखने में सिर्फ। बट एनीवे जो भी है बहुत ज्यादा। और गाइस बताना चाहता हूँ कि वो जो शादी है वो 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्चने वाले हैं। और अंबानी फैमिली में लास्ट शादी है, मतलब ये जो परिवार है ना अभी का, जो ये बात का जनरेशन की बात तो अभी बहुत टाइम है, बट अभी 2 भाई 1 बहन और वो 5 फैमिली में से ये जो छोटा भाई है वो लास्ट है। इसके बाद अंबानी फैमिली में शादी बहुत टाइम के बाद आएगी, इसलिए जितना है उतना एक साथ खर्चा कर रहे हैं और दिल खोल के खर्चा कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं उन लोगों का न्यूज में क्या। गुजरात में? हाँ, वो भी जामनगर में हो रहे हैं भाई। जाऊँ जामनगर? हूँ तो जाए ना वो जामनगर। बहुत टाइम के बाद, मतलब ये जो चैलेंज हो रहा है वो चैलेंज हो रहा है लगभग 5-6 महीने के बाद, क्योंकि अभी तक सब लोग बिजी थे, जो भी थे आप लोग समझ जाओ, आपने तो हमारे चैनल पे देखा ही है ये सब। तो पहली बार हमारे घर पे होने जा रहा है बटे का भूंगड़ा का प्रोग्राम, वो भी अनलिमिटेड हुआ था लेकिन घर पे बनाया था वो, अभी बाहर का पहली बार खा रहे। तो ये अनलिमिटेड बटे का भूंगड़ा है जो हम अभी आपके साथ मनोरंजन के साथ एंजॉय करेंगे, आप एंड तक देखिए। गारंटी वाला सर? गारंटी काले हवारे खबर पड़े गारंटी। हाल तक बे बब्बे पैकेट ले लियो। हां मम्मी एक एक पैकेट। अच्छा, बेन बब्बे अपने भारत का नगर बे। तो गाइस ये देखो तो बचपन में हम लोग ऐसे उंगली में डाल के ऐसे करके खाते थे। ये जो लाल है वो तीखा वाला है, मुंह में पानी आ रहा है मेरे को पता है, बट वेट करना पड़ेगा। और ग्रीन वाला है वो थोड़ा नॉर्मल है। हाँ पे लो ने अबे। थोड़ा वेट करो ना यार, थोड़ा ऐसे ऐ चालू करो। ये लीम करू छूत करवा रख देता। ओके, नींबू डाला उसमें। हाले अब ये पैकेट मारा। जय हार्दिक। ये पैकेट हार्दिक ना, एक पैकेट मम्मी नो, एक पैकेट अनलिमिटेड। एक पैकेट में टोटल 10 भूंगड़े है। 10 भूंगड़े है, एंजॉय। एक तो मेरा ऊपर ही गया है। चलिए शुरू करते हैं। वाह वाह, क्या स्वाद है। चीयर्स। जय गणपति बापा। का थावा देता नहीं काय नो थाय घरवा राखजो। मस्त बटे का भूंगड़ा कहां की रेसिपी है वो कमेंट करो। नारी की देखो स्पेशलिटी कहां की है पूरे गुजरात में? डाला लींबू? डाला नहीं डाला। ग्रीन वाला बहुत ज्यादा अच्छा है लाल वाले से। वाह, हम लोग जब घर पे बनाते हैं तब मीठी चटनी बनाते हैं, पता नहीं यहाँ पे नहीं मिलती क्या? आपके यहाँ पे भूंगड़ा बटेका खाते हो तो मीठी मिलती है? हार्दिक भाई ने सावरकुंडला खाया था तब मिलती थी, है ना? गाँव में मिलती है वो मुझे पता है, लेकिन गाँव में इसके अंदर डाल के देते है ना तो डीप करने के लिए। तो गांव में मिलती है, पता नहीं यहाँ पे नहीं मिलती होगी। हमने सूरत के पहली बार में बाहर का खा रहे हैं। मस्त है। तेरे को नहीं खाना है बेटा? ट्राई तो कर, बहुत बढ़िया है। लेकिन अभी मैं चटनी तो मिस कर ही रही हूँ। वाओ, चटनी की जरूरत ही नहीं है इसमें। नहीं खा सकते ये कम लेने का भूंगड़ा ज्यादा खाने का। वाओ, भूंगड़ा मावे ये मापना कापता हुए तो मेरे को ऐसा लगता है कि कम पड़ जाएगा। वाह, थोड़ा तीखा लगना स्टार्ट हो गया है। धनिया बहुत है। मिक्स करके खा सकते हैं वैसे, ग्रीन और ये दोनों ऐसे एक बार। पानी पूरी जी मजा ना आता। कुछ बड़ा हड़ हड़ है। वाओ मैन, मर रात नो कैंसिल हो खाओ ना। खाने पीने की बाबत में सूरत का नंबर थोड़ा फूड ब्लॉगर्स के दिमाग में कम हुआ है,
बताना चाहता हूँ कि सिलेक्टिव चीज खाइए, कोई रिकमेंड करे उससे अच्छा आप खुद ढूंढ के, ये हम खुद ढूंढ के आए। मैं इधर बहुत ही खाया, कोहिनूर रोड पे गया था मैं, कोहिनूर रोड से लेके आया हूँ। मुझे ये वाले भूंगड़े बहुत ही ज्यादा, जब भी हम टोल टैक्स पे खड़े रहते हैं ना तब ये बेचने के लिए आते हैं। मुझे इतना मन होता है लेकिन जेदी में कभी भी लेके नहीं दिया, आज लेके दे दिया ना, आज दिया, आज ढगला कर दिया पूरे साल का। चलो जहाँ दुकान में आवा लटकाड़ी बेहता दुकान करियाना दुकान भाग ने वेन करे था भोंगड़ा पैकेट ले रुपया। ओहो भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके ऊपर गुड़ का पानी मीठा पानी थोड़ा डाले तो कैसा लगे, आमली नु पानी इना भावे, हम इमली का पानी भी डाल सकते हैं वैसे। क्या जाओ भाई, ओहो हे क्या जाओ बेटा, क्या भोंगड़े इतने नाजुक है ना टूट जाते। हां आ रसो ले भाई, अरे एम रसो ले भाई, इसके ऊपर छाछ तो चलेगी, वो तो डबल जला देगा। तू मेरे में से क्यों उठा रही, उधर से उठा नहीं, मेरा गिनती वाला है। अभी आप विक्स लगाने से नाक नहीं खुलता लेकिन भूरा मटे से खुल जाता है, वो अभी बता। मैंने बोला कलर बलर नहीं डाला है ना, तो बोलते नहीं गारंटी है कुछ भी होगा ना तो मेरे पास आने का फ्री में दूंगा नेक्स्ट टाइम। पौष्टिक है, पानी में चला था, तलते ही नहीं है इसको, ये बाफेले है पानी में, मेरे भूंगड़ा। अच्छा भूंगड़ा कितलू तेल हम देखे बाहर थी लावे नो, एमा तेल जरा नो देखो, घरे बनाए हुए ने मैं तो तेल ज पेला देखा। आज रात का हमारा प्रोग्राम खाने का कैंसल है। वाओ छोटे थे ट्यूशन जाते थे ना, मैं 1 रुपया का भूंगड़ा बटेका खाती थी, कितना मजा आता था। ये कितने का लाया, 1 रुपया पैकेट आपका, लेकिन तो भी वो टेस्ट मुझे ज्यादा अच्छा लगा था इससे। चलो ये गेस करो मैं कितने का लाया हूं मम्मी, 2 रुपया ने से। रॉन्ग आंसर मम्मी, गैस करो कितने का है। मैंने आनो कह दे भूंगड़ा नो खाली पछतो, भूंगड़ा 10 का है ये पचानो इन होनवा 150 ले। रॉन्ग आंसर, गारंटी वाला बात महंगा है से थोड़ा, हम हूं गे मम्मी की आमे ये सर जो ना 170 रुपया नो तो ये नो यहां 20 रुपये बता दे। 170 रुपये में अनलिमिटेड दादा, वाओ मैन सुपर गुड, मेरे को छाछ चाहिए, छाछ बहुत ठंडी है ना, मार्क से पसी से ले पीजो, आमा बटेटा नेक दे ले ना भाई, मेरा एक पैकेट खत्म हो गया, अभी एक बचा, पैकेट खत्म हो जाएगा पर ये बचेगा तभी ना। और हाँ किस किस को भूंगड़ा बटेका बहुत पसंद है वो भी लिखना, सबको पसंद है, ये तो पसंद होगा ही ना, ये उनो हो कुछ लोग बोल ही रहे थे पानी पूरी खाए तो भी खाया ना, पसंद आता ही है भूंगड़ा भाई, लहसुन यहाँ लगे रात को हड़दर वाला दूध पी के सो जाएंगे। घणी कमेंट आई थी, घणी कमेंट आई थी, सेवड़ा मां मसालो, सेवड़ा मां राजनो मसालो आवे छे, राजनो ई पैकेट જ નાખી દેવાનું, બીજું કાઈ નહીં, મીઠું મીઠું કાઈ નહીં। હા બહુ સારી આવી હતી લેકિન અમે બોલના ભૂલ જતા, હા ભૂલ જતા હે। વાવ કેલે લગભગ 500 વાર બોલ્યો છે તું, વાવ મમ્મી કો શામ કો બોમ્બે આઈસ્ક્રીમ ભી દેને મે આયેગા, उसका वीडियो नहीं आया, मैं दिलदार, हां उसका वीडियो मैं दिलदार बन गया हूं, अबे मेरे से नहीं खवा रहा है। हां भोंगड़ा तुम पा 10 पैकेट खाए जातो है ना तरफ, वाह है ना बनता है भोंगड़ा, तो खाना क्यों खाना भाई, ये भी कमेंट करो भोंगड़े किसके बनते हैं, कमेंट भर डालो पूरा है। अच्छा अब ये काटो हूं राखे, वाह भाई लोग फ्रेंड लोग बहन लोग फ्रेंड लोग तड़िया झाटक उपड़ गया है पूरा का पूरा, आपको मैं अभी दिखाऊंगा नजारा, ये कोठी का लेके आता हूँ, कोठी का कोठी बोठी नहीं भाव तो आपने बॉम्बे आपने बॉम्बे आइसक्रीम भाव से कोठा में नकरो बर्फ आवे दात पड़वा मड़े बो बर्फ बॉम्बे आइसक्रीम में मने नकरो पाउडर आवे। वाह भाई वाह, कोई में दूध न चलतो बदाम पाउडर आवे। आउट ऑफ इंडिया वाले लोग जो देख रहे हैं वो स्पेशल लाइक करना क्योंकि वहां पे ये स्वाद आई एम श्योर पानी के हिसाब से नहीं बन पाएगा। अभी आउट ऑफ कंट्री वाले भी सीख गए, सब कुछ घर पे बना रहे हैं। वो तो ले आओ बना ही दो तो। मैं आउट ऑफ कंट्री की बात कर रहा हूं। नहीं वो घरे बनाना कहूं तो घरे आवा बने। एम एम ने एम ना बटे कोई थे हाथ में। सोना दे दे यार भूमि का बना है पूछ जो भूमि का खाता था। नेक्स्ट टाइम लाऊं तो एक बार भूंगो पैक होए ना भूंगो। ओके नोट किया जाएगा ये।
बटेटा हरा था। ये प्लेट नंबर वन और ये प्लेट नंबर टू। तो पासवर्ड कोरा भूंगला सारी कन भावे से राख जी। कोरा भूंगला बे छे चला सारी कन भावे से ले। चलो तो आज नो कार्यक्रम पूरो। तो आप हार गए हो, मैं जीत गया। वैसे शास्त्रों में लिखा गया है शाम ढलने से पहले खा लेना चाहिए। और वो भी रेडीमेड घर बना है। लो 9 बजे खावानो रेडीमेड लावे 6 बजे खावा। खाता था ने ત્યારે એટલું મીઠું લાગતું હતું। હવે ખાઈ પી નવરા ને એટલે છીલ ગયા। ઉપર કે તાળવા હે ને વો તો ઉનાળો આવી ગયો ભાઈ ઉનાળો। શામ ઢળે સે પહેલે ખાના ખાતા જે તો તાકી સોને સે પહેલે હજમ હો જાય वो सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छा है। खबरदार हो गया है। हजम करने के लिए ये ले लीजिए। नहीं ये नहीं चलेगा। चलिए तो हमारी हेजू बिटिया जो है वो बहुत ही अच्छे बिहेवियर के साथ अपना होमवर्क कर रही है। हेजू आपको बटे का भूंगला नहीं अच्छा लगा बेटा? नहीं। क्यों? नहीं मेरे को पसंद है। क्यों नहीं भाता है? पसंद है। क्या भाता है? क्यों नहीं पसंद है? बहुत तीखा है इसीलिए। कैसा है? तीखा। तीखा तेरे जैसा तीखा। काकू को बाय बाय करो। पानी देता जाने। ओह माय गॉड, तू ही प्रिंस है, घर की प्रिंसेस है। खुद जाके खड़ी होके पी लेने का और सबको पिलाने का। मैंने तुझे क्या बोला था? डैडी को, काका को, दादा को, सबको पिलाने का पानी। अभी खाना पीना तो हो गया। हो गया। अभी हम देखेंगे फोन। फोन में ही देखेंगे कि मुका काका ने मेन्यू में क्या रखा। अच्छा, क्योंकि मैं जब भी इंस्टा या फेसबुक खोलती हूँ तब मुका काका ही भजिया खाते है, कभी कभार कभी पिरसते है, वो ही आता है। सही बात है। और एयरपोर्ट पे कोई ना कोई नया नया उतरता है। रिहान आती है, फिर वो आता है, हार्दिक पंड्या आता है, फिर धोनी भी आ गए हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटी। क्या बोलना? अभी एक वो भी चर्चे में, बिल गेट्स ने वो चाय वाले के साथ वीडियो बनाया। गाइस हमारे इंडिया में क्या क्या हो रहा है सब कुछ डिटेल में आ रहा है। तो आपको अगर वो चीज भी मजा आ रही हो तो भी थोड़ा हमको ऐसे। और कौन कौन से ये लोग है जो ज्यादातर इंस्टा और फेसबुक में देखते रहते हैं कि मुखिया काका ने क्या किया, क्या मेन्यू में रखा और क्या डेकोरेशन? मतलब हमारे जो गुजरात में क्या वो मोती का जो सब डेकोरेशन, मोर वगैरह जो का होता है ना, वो सब किया है। बहुत ही अच्छा डेकोरेशन अभी जब तक मैंने देखा। मैं देखती रहती हूं मुका काका के साथ। हमारे जो काकी है ना वो भी बहुत शौकीन है, तो बहुत ही साड़ी वाड़ी ज्वेलरी वुलरी मतलब मचा ही देंगे। पूरे वर्ल्ड में पता चल जाएगा कि हमारे अनंत भाई का बर्थडे है, शादी है। क्या बोल रहा हूँ, क्या बात है। मतलब चलिए एनीवे, अभी मम्मी को पूछते हैं थोड़ी देर कि मम्मी अभी मुका काका के घर पे लगन हो रहा है तो हमारे घर पे लगन शहनाई कब बजने वाली है? इसका टाइम आएगा। टाइम आएगा। ओके आएगा। और ये भाई का नाम क्या है? कौन? अनंत भाई। हाँ अनंत भाई का शरीर बट गया है ना। हाँ वो शादी के बाद उतर जाने वाला है। अच्छा, बढ़ोतरा हो जाएगी। ओह माय गॉड। तो गाइस लगन करके बढ़ोतरा होती है, मम्मी का बोलना ऐसा है। शादी के बाद जवाबदारी बढ़ जाती है ना। जवाबदारी बढ़ जाती है तो वजन आपो आप कम हो जाता है। आप कम हो। अगर वजन घटाना है तो शादी कीजिए। पैसा नहीं तो कमी नहीं थी, कमाव पड़े तो वधार कमाव पड़े तो कमी है नहीं। मम्मी नहीं एटले कहू छू तो बढ़ोतरा नहीं थाय। બળતરા ન હોય તો આવું શરીર તો બહુ સાડો બહુ કા ભાઈ જો આ ફાડી નાખશે નોટ ઇન ડિટેલ અમે બતાવીએ એમ જોઈ લે। ઓ માય ગોડ મેરે એ પેસારણ કા બાચ્ચા હે યે યે દેખો મેરે પાકેટ મે સે સબ પૈસે ગિરા ડાલે ઓર યહાં પે અભી આરામ વો આપકા આનંદ હે ના। હા મેરા આનંદ હે વો એ આનંદ ચલો એ એ પગ માં લે જા સારી કા પગ માં આવે। ચલી એનીવે ગાઈસ इसी के साथ आज का वीडियो इधर ही हम लोग एंड कर डालते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब नहीं किए तो कर डालो। वी विल सी यू विथ मोर एंटरटेनमेंट टुमारो। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय। वैसे एक बात बोल दूं? हाँ बोल दो। जाते जाते फैमिली के साथ हम भी जुड़े हुए ही है। अंबानी फैमिली के साथ कैसे जुड़े हुए? हमने जियो का केबल नहीं लगवाया। अच्छा तो हमें बुलाया क्यों नहीं वो? अगर ऐसा हो ना, ऐसा है ना तो अंबानी साहब को उनकी पूरी शादी है ना हमारे घर पे ऐसे लाइव प्रसारण करनी चाहिए। हाँ मुका काका ने बोला था आप अपने ब्लॉग में लो हमें, लेकिन हमने बोला वैसे हम देखते हैं। थोड़ा ज्यादा धापा मार दिया अब बढ़ जाते हैं। बटे का थोड़ा ज्यादा खा ले तो फेंके भी थोड़े ज्यादा निकल रहे हैं। हाँ चलो बाय बाय, जय श्री। वो बोले भूला बटेटा खाने वाला यहाँ नहीं चलता तो कहाँ भजिया खाने वाला चलते है।
चलिए तो बाय बाय। भजिया वो भाव डिश लीधा वगैरह लपेटवा मंडा मम्मी ने भाव भजिया।